आज हम सब कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 के छठवें प्रश्न को हल करेंगे। छठवां प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x+3-8=0 दी गई है तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण, जैसे कि पहला है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, दूसरा समांतर रेखाएं हों, तीसरा संपाती रेखाएं हों। अर्थात हमें एक समीकरण दिया गया है, दूसरा रैखिक समीकरण हमें लिखना है, ये भी इन तीनों क्वेश्चंस के अनुसार। पहला है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें समीकरण दिया गया है 2x+3-8, क्या है 2x+3y-8=0। तो हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लाना है, इसी के अनुसार दूसरा समीकरण हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है, अगर हम यहाँ 4, इसका 2×4x+3×6y-8×16=0, तो अगर जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये एक तीनों क्या हो जाएंगे बराबर, पर हमें a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ हम 2 है तो यहाँ मान लो हम 3 ले लेंगे, 3x, और यहाँ 3 है तो मान लो यहाँ 4 ले लेंगे, 4y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसका b1/b2 का हो जाएगा 3/4। तो ये क्या है, बराबर नहीं होगा। तो हम इसी अकॉर्डिंग हम इसका समीकरण बना लेते हैं। दिया गया समीकरण है, तो दिया गया समीकरण हमारे पास क्या है, 2x+3y-8=0। हमें क्या करना है, एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हम लिख लेते हैं 3x+4y- मान लो 3 लिख लेते हैं बराबर 0। यहाँ c से कोई मतलब नहीं है, हमें a1/a2 और b1/b2 से ही मतलब है। a1/a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। b1/b2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3/4। यहाँ क्या है, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा पहले का हल हो गया, हम सेकंड वाले का हल करेंगे। सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखा कब होंगी, हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के लिए
रेखाओं के लिए क्या होगा? ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। स्टॉप कर दिया। गया समीकरण है दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस आठ बराबर जीरो। हमें एक अन्य समीकरण बनाना है, एक अन्य समीकरण। हमें कह रहा है समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं की एक कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू बराबर हो बी वन अपॉन बी टू के, बराबर नहीं हो सी वन अपॉन सी टू के। तो यहाँ क्या दिया गया है, दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस आठ बराबर ज़ीरो। तो यहाँ हम लिख देते हैं दो दुनी चार एक्स प्लस तीन दुनी छः वाई माइनस, अब सी वन अपॉन सी टू बराबर ना हो तो यहाँ मान लो हम आठ है, तीन लिख ले, पाँच लिख ले, चार लिख ले, हम पाँच लिख लेते हैं बराबर ज़ीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटे दो, एक बटे दो ये आठ बटे पाँच हो जाएगा। एक बटे दो बराबर होगा एक बटे दो, बराबर नहीं होगा आठ बटे पाँच के, तो ये कौन सा हो जाएगा समांतर रेखाओं के लिए। हम इसकी जगह पे छः भी कर सकते हैं, दो तीन छः, तीन त्रिका नौ, या तो कुछ भी लिख दें जो बराबर ना हो इस अनुपात के। तो यहाँ अन्य समीकरण लिखेंगे, चार एक्स प्लस छः वाई माइनस पाँच बराबर ज़ीरो। अब यहाँ निकालेंगे ए वन अपॉन ए टू बराबर हो जाएगा दो बटे चार, कितना हो जाएगा एक बटे दो, बी वन अपॉन बी टू बराबर तीन बटे छः, तो कितना हो जाएगा एक बटे दो। यहाँ सी वन अपॉन सी टू बराबर होगा माइनस आठ बटे माइनस पाँच, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आठ बटे पाँच। तो क्या ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, लेकिन बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। तो क्या हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू, बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे में कह रहा है कि वो क्या है, संपाती हैं। तो संपाती होने के हम जानते हैं कि संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू बराबर हो बी वन अपॉन बी टू बराबर हो सी वन अपॉन सी टू। तो दिया गया समीकरण हमारे पास है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण है दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस आठ बराबर ज़ीरो। हमको एक अन्य समीकरण बनाना है, एक अन्य समीकरण, वो अन्य समीकरण संपाती रेखाओं के लिए बनाना है। अब यहाँ कह रहा है संपाती रेखाओं में क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, बराबर है सी वन अपॉन सी टू के। समीकरण हमारे पास है दो एक्स प्लस तीन वाई माइनस आठ बराबर ज़ीरो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका अगर हम करते दो दुनी चार एक्स प्लस तीन दुनी छः वाई माइनस आठ दुनी सोलह बराबर ज़ीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दो बटे चार ए वन अपॉन ए टू बराबर दो बटे चार, तो कितना आ जाएगा एक बटे दो। और निकालेंगे बी वन अपॉन बी टू बराबर तीन बटे छः, तो कितना आ जाएगा एक बटे दो। और निकालेंगे सी वन अपॉन सी टू बराबर माइनस आठ बटे माइनस सोलह, कितना आ जाएगा एक बटे दो। मतलब ए वन अपॉन ए टू बराबर एक बटे दो आया है, बी वन अपॉन बी टू बराबर एक बटे दो आया है, सी वन अपॉन सी टू बराबर एक बटे दो आया है। इसमें क्या हुआ, ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, बराबर है सी वन अपॉन सी टू के। तो हमारा एक अन्य समीकरण हो जाएगा चार एक्स प्लस छः वाई माइनस सोलह बराबर ज़ीरो। यहाँ लिखेंगे ए वन अपॉन ए टू
बराबर दो बटे चार हो जाएगा एक बटे दो कॉमा बी वन अपॉन बी टू बराबर हो जाएगा तीन बटे छः कितना आ जाएगा एक बटे दो सी वन अपॉन सी टू बराबर माइनस आठ बटे माइनस सोलह बराबर हो जाएगा एक बटे दो। यहाँ क्या हुआ ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के बराबर है सी वन अपॉन सी टू के। ये हमारे छठवें प्रश्न का हल।